वैसे ये बात इतनी आसान थी नहीं जितनी आसानी से ये बोल गए हैं। दाल में जरूर कुछ काला है, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। वैसे इन लाइंस को सुनकर के शायद आपको लग रहा होगा कि मैं शायद किसी सीआईडी ऑफिसर की लाइन बोल रही हूँ, वैसे आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। तो बात ऐसी है कि ज्यादातर लोग बड़े होकर के डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग सीआईडी ऑफिसर भी बनना चाहते हैं। और अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी बहुत जल्दी ही शुरू कर देनी चाहिए। एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास तेज दिमाग, मजबूत शरीर और किसी भी काम को सुलझाने की काबिलियत होनी चाहिए। तो आज हम आपको सीआईडी ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। सीआईडी ऑफिसर बन जाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको यहाँ पर हम बता दें कि सीआईडी ऑफिसर की फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होती है, यानी ये एजेंसी भारत सरकार के अधीन काम करते हुए गुप्त तरीके से क्रिमिनल मामलों को सुलझाती है। ऐसा नहीं है कि सीआईडी पुलिस से अलग है, बल्कि ये एजेंसी पुलिस का एक गुप्त रूप है, जो कि मामले ज्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन मामलों को पुलिस की जगह सीआईडी एजेंसी सुलझाती है। तो अब सवाल ये है कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आयु सीमा की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 27 साल रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु 20 से 30 साल रखी गई है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु 20 से 35 साल रखी गई है। एसटी और एससी को बाकी की नौकरी की तरह इसमें भी 5 साल की छूट दी गई है। और बात की जाए अगर एजुकेशनल योग्यता की, तो एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए कम से कम आपको 12वीं कक्षा पास करना जरूरी है। इसके अलावा आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। अगर उम्मीदवार इसमें किसी हाई पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि सीआईडी ऑफिसर की नौकरी के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि कितने चांसेस मिलते हैं, तो हर सरकारी नौकरी की तरह इसमें भी 4 से 7 बार तक आप प्रयास कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार इसमें पास होने के लिए 4 बार प्रयास कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार 7 बार प्रयास कर सकते हैं। वहीं एसटी और एससी कैटेगरी के उम्मीदवार इसमें कई बार प्रयास कर सकते हैं, यानी इस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई लिमिट नहीं है। अब जहां तक बात की जाए चयन प्रक्रिया की, यानी कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको लिखित परीक्षा, शारीरिक टेस्ट और इंटरव्यू की चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले सीआईडी ऑफिसरों के उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा देनी होती है। इसके बाद उम्मीदवार का शारीरिक टेस्ट किया जाता है। अगर उम्मीदवार इन दोनों में पास हो जाता है, तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में मिले नंबर्स के आधार पर उम्मीदवार एक सीआईडी ऑफिसर बनता है। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इनकी परीक्षा कहाँ होती है और इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, तो आपको बता दें कि सीआईडी ऑफिसर की परीक्षा यूपीएससी और एसएससी द्वारा हर साल कराई जाती है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसकी परीक्षा 2 भागों में होती है। पहली परीक्षा में 200 अंकों का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। वहीं दूसरा पेपर 400 अंकों का होता है, जिसके लिए पूरे 4 घंटे का समय दिया जाता है। तो अगर आप इन परीक्षा और शारीरिक टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद आप एक सीआईडी ऑफिसर बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप जान चुके हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। और आखिरी एक सवाल जो आपके दिमाग में शायद अब तक घूम रहा है कि काम तो ये बड़ा जबरदस्त है, लेकिन सैलरी का क्या? तो यहाँ पर सैलरी की बात करें, तो इसमें एक नॉर्मल सीआईडी ऑफिसर को 25 से 40 हजार रुपए तक की सैलरी मिलती है। तो अब जरा कैलकुलेशन लगाइए और सोच कर देखिए, क्या आपके लिए ये ऑप्शन सही है? और अगर आपके लिए नहीं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी फैमिली में
कौन इस जॉब के लिए सही दावेदार है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके उन सभी लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हाँ, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, आई एम श्योर ये तो हम ना पूछे तो भी आप बता ही देते हैं। तो यूं ही हमें बताते रहिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।